CPC MCQ 60 to 65. An application of amendment may be filed either by both A and B plaintiff and defendant. Order 7 rule 10 CPC is relating to the return of plaint. याद रखें ये ऑर्डर 7-10 रिटर्न ऑफ प्लेंट है, और नीचे वाला एमसीक्यू ऑर्डर 7 रूल 11 ये याद रख लें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, ठीक है ना। ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है और मैं फिर आपको इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा। द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC शैल बी रिजेक्टेड इफ़ ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस हों, तो रिजेक्ट हो जाती है। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ऑफ अ प्लेंट इज़ अ डिक्री एंड हेंस अपीलेबल। कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 ऑफ CPC व्हेन डिफेंडेंट आफ्टर ड्यू सर्विसेज ऑफ समन फेल्स टू अपीयर ऑन अ फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये जब उसको पहली डेट पर बुलाया जाता है, जब वो ना आए तो फिर उसको रूल 9-6 ऑर्डर के तहत ऐसा किया जाता है। एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट मे बी फिल्ड बाय प्लेंटिफ फॉर, अच्छा ऑर्डर 7 रूल 10 ऑर्डर 7 रूल 11 में फ़र्क सिर्फ इतना है, ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो रिटर्न ऑफ प्लेंट है कि भाई इसके अंदर कोई खामियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं, और यानी कि एक मिसाल है कोई कुछ ऐसी जो कोर्ट्स की तरफ से पाबंदियाँ होती हैं केस के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे वैल्यूएशन ऑफ कोर्ट, जैसे जुडिशियल जो टेरिटोरियल जुडिसडिक्शन होती है वो कोर्ट की, उसके बाद में जो है वो कोर्ट फीस का जिसपा होना, उसके बाद में जो होती है एप्लीकेशन होती है प्लेंट होती है उसके अंदर खामियां हो तो फिर उसको रिटर्न ऑफ प्लेंट कहते हैं। वो जज है वो रिटर्न ऑफ प्लेंट करता है और इसको यानी कि इसके अंदर आप खामियां दूर करके फिर से नए सिरे से नए टाइटल के साथ आप केस कर सकते हैं, नए टाइटल के साथ, ठीक है, वही टाइटल दोबारा नहीं आएगा। अब जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ये होती है कि जो केस बानी डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट है तो वो उसको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, जैसे वैल्यूएशन हो गई यानी कि आप बहुत जो थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उसको आपने जो 1 करोड़ मालिक का केस दे दिया, ठीक है ना, या जो जिसकी जुरिसडिक्शन में है ही नहीं केस आपने उसको दे दिया, तो इस तरह ये होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।